एमएलसी पंचायत के चुनाव के बाद अब प्रदेश में एमएलसी शिक्षक का चुनाव होना बाकी है और अभी से कई प्रत्याशी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में एमएलसी प्रत्याशी राजीव पांडे ने तमाम स्नातक मतदाताओं से अपनी चुनावी प्राथमिकता को साझा किया। गोरखपुर क्लब के सभागार में शिक्षक एमएलसी पद के दावेदार और सपा प्रत्याशी राजीव पांडे ने एक विचार विमर्श कार्यक्रम आयोजित कर रखा था, जिसमें आज रविवार का दिन होने के कारण कई स्नातक मतदाताओं ने शिरकत किया। आपको बता दें, राजीव पांडे गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य भी रहे हैं। और खड़े थे, मैं जानता हूं इनकी पर्सनालिटी है, मैं जानता हूं चंद्रभान जैसे लोग तय कर रहे हैं, मैं जानता ये ग्रेजुएट का चुनाव है, ये तुझे घरों से निकालने होंगे, इसलिए मैं मानता हूं संघर्ष आपका भी है, लेकिन अब लड़ाई उससे है जो आपके दल से निकल के इसलिए आपको बहुत सावधानी से राजू पांडे को अपने मीडिया के सवालों के जवाब में राजीव पांडे ने कहा कि नौजवानों की क्षमता का मूल्यांकन उनके गृह जनपद में किया जाना चाहिए, ऐसा वे सोचते हैं। निश्चित तौर पर नौजवानों की बात को मैं तो सबसे प्रथम बात जो कहता हूं कि आज नौजवानों की जो मूल्यांकन है, जब एक नौजवान किसी नौकरी के लिए जाता है तो उसके क्षमता का मूल्यांकन उसके गृह जनपद में नहीं किया जाता, उसके क्षमता का मूल्यांकन उसको 500 किलोमीटर दूर बुला के किया जाता है। मेरा सबसे पहला उद्देश्य कि नौजवानों का मूल्यांकन, नौजवानों के क्षमता का मूल्यांकन उसके गृह जनपद में किया जाए।